हेलो एवरीवन, टुडे इज़ योर रिवीजन क्लास. एज यू ऑल नो, योर PT1 इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 13 जून. सो आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर फॉर यू एंड ब्रीफली वी विल रिवाइज इट. एज एट फर्स्ट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द ऑथर, अबाउट माइकल मॉर्पुर्गो, हु इज़ एन इंग्लिश बुक ऑथर, पोइट, प्ले राइट एंड बेस्ट नोन फॉर चिल्ड्रंस नॉवल्स सच इज वॉर हॉर्स. So, the best Christmas present in the world is written by Michael Morpurgo. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and odd and had wanted one. They were so far too expensive. This one was in bad condition. The roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. Students, here the speaker is saying that once he went in a shop, in a junk shop of Bridport. There he saw a roll top desk which was made which was related to early 19th century, and it was made up of oak tree, and it was not too expensive. He wanted such type of desk, but a new one desk was too much expensive for that person. So he thought that I should buy this desk and I should mend this. It was in bad condition. It was half burnt, half wet. So it was damaged by both water and fire. But the author thought that I should take this one because it is not too expensive and I can manage with this desk. So he bought that desk and took it to his home, and he put it in the garage and started mending it. Yani ke जो ऑथर है वो एक बार ब्रेडपोर्ट जंक शॉप में जाता है, कबाड़े की दुकान में जाता है. जंक शॉप मीन्स कबाड़े की दुकान में जाता है, जहाँ वो एक रोल टॉप डेस्क देखता है. और उसको ऐसे किसी डेस्क की ज़रूरत थी, लेकिन जो है वो एक महंगा डेस्क नहीं खरीद सकता था, एक नया डेस्क नहीं खरीद सकता था. लेकिन उसने देखा कि यहाँ पर जो ये रोल टॉप डेस्क है, ये बुरी कंडीशन में पड़ा हुआ है, पुराना है, 19th century का है. लेकिन अगर मैं इसको मेंड करूँ, इसको रिपेयर करके अपना काम चला सकता हूँ, तो उसने सोचा कि मैं इसको जो है बाय कर लेता हूँ और अपने घर पर ले जा कर के इसको रिपेयर कर लूँगा. तो उसने ऐसा ही किया, वो उसको अपने घर पर ले जाता है और उसने जो है क्रिसमस की शाम से ही जो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, द वन ईयर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. अब वो क्या कहता है कि उसने जो है उस रोल टॉप को पूरी तरह से हटा दिया. उसका जो राउंड सर्कल था, जो डेस्क था, जो टेबल था, वो राउंड टेबल था, तो उसका ऊपरी हिस्सा हटा करके उसने देखा कि जो सारी स्किन थी उसकी, वो जो डिज़ाइनिंग थी, वो सारी उखड़ी हुई थी. द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. वनीर मीन्स डेकोरेशन ऑफ द डेस्क. जो भी कुछ उस पर डिज़ाइनिंग थी, जो भी उस पर डेकोरेशन थी, वो सारी जो है पानी की वजह से उखड़ी हुई थी. इट वॉज इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी. बोथ फायर एंड वाटर क्लियरली टेकन द रोल ऑन दिस डेस्क. उस तब ऑथर को लगा कि ये जो है वाटर की वजह से भी डैमेज हुआ है, यानी कि आग और पानी दोनों ने जो है इसको बुरी तरह से ख़राब कर दिया है. दोनों ने अपनी ट्रायल की है इसके ऊपर. द लास्ट ड्रॉर स्टक फास्ट. फिर वो देखता है कि इसमें एक ड्रॉर था नीचे वाला, दो ड्रॉर खुल जाते हैं, लेकिन जो नीचे वाला ड्रॉर था वो अटक गया था, वो जो है खुल नहीं रहा था. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज आउट जेंटली एंड आई यूज ब्रूट फोर्स. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द सेड with the side of my fist and drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer.
और उसने क्या किया, जब वो खुल नहीं रहा था तो अपनी पूरी फोर्स लगा करके जो उस डेस्क को खोलने की कोशिश की, और ये एकदम से जब उसने झटका लगाया तो वो खुल जाता है। और वो क्या देखता है कि उसके नीचे एक और सीक्रेट ड्रॉर था। देयर वाज समथिंग इन देयर। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915। और फिर जब उसने उस सीक्रेट ड्रॉर में अपना हाथ डाला तो वहाँ पर जो है उसको एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन का बॉक्स जो है दिखाई देता है, जो कि पूरी तरह से सेलो टेप से चिपकाया गया था। एंड इट ऑफ इट एंड इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। और इसमें जो कोई लाइन नोट पेपर था जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, शेकी हैंड राइटिंग मीन्स हिलते हुए हाथ से जो है कुछ लिखा गया था कि जिम का जो है लास्ट लेटर है जो कि रिसीव किया गया है 25 January 1915 को, टू बी वरीड विद मी वेन द टाइम कम्स, और इसको जब मेरा अंतिम समय आ जाए तो मेरे साथ जला दिया जाए। आई नो एज आई डिड इट that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples, it usually does। मुझे पता था कि किसी के लेटर को खोल के देखना बहुत गलत बात होती है, लेकिन मेरी जो जिज्ञासा थी वो इन सब चीज़ों से ऊपर थी और मैंने जो है उस लेटर को खोल दिया। Inside the box there was an envelope। इस बॉक्स के अंदर जो है एक envelope था। The address read मिस्टर जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रेडपोर्ट डॉरसेट। और उस पे जो है एक एड्रेस लिखा हुआ था जिसमें क्या लिखा हुआ था, मिसेज जिम मैकपर्सन, और उनका एड्रेस था 12 कॉपर बीचेस ब्रेडपोर्ट डॉरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने लेटर निकाला और खोल के देखा। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 1914। और जब देखा तो उस पे जो है पेंसिल से लिखा हुआ था और एक डेट डली हुई थी जो कि क्या थी, December 26, 1914। तो यहाँ पर हमारे जो है दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क ऑफ 19th century इन अ जंक शॉप। इट वॉज मेड ऑफ ऑक। इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन। व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर। हु डू यू थिंक पुट इट इन द। आपको क्या लगता है कि उसको सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला। आपको जो है किस क्या सोचते हैं कि किसने उसको इसके अंदर रखा होगा। इन अ सीक्रेट ड्रॉर ऑफ द डेस्क द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स। इट हैड अ लेटर इन इट। वी कैन जस्ट अज्यूम दैट द ओनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क माइट हैव पुट इट देयर। हम सिर्फ यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं कि शायद जो इस डेस्क का मालिक है उसने इसको इसके अंदर रखा होगा, क्योंकि इस हमारे फर्स्ट पार्ट में जो है कहीं भी ये नहीं बताया गया कि किसका डेस्क था और किसने जो है इसके अंदर लेटर रखा था। सो वी कैन अज्यूम दैट। नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ से जो है हमारा लेटर स्टार्ट हो जाता है जो कि ऑथर को जो है उस डेस्क के अंदर मिला था, और उसको जो है हेजिटेंटली खोल के देख ही लेता है कि मैं देख लेता हूँ कि इसके अंदर ऐसा क्या है। और जब वो लेटर खोलता है तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, डियरेस्ट कॉनी, आई राइट यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माई माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट। यहाँ पर जो अपनी पत्नी कॉनी को जो है मिस्टर मैकपर्सन ने लेटर लिखा है कि मेरी सबसे प्यारी कॉनी, I write to you in a much happier frame of my mind because something wonderful has just happened that I must tell। कि ऐसा मैं अपने जो है माइंड के सबसे ज़्यादा खुशी वाले कॉर्नर से जो है तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरा दिमाग जो है आज बहुत ज़्यादा मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ, और इसलिए जो है एक इतना वंडरफुल इंसिडेंट जो घटना घटित हुई है उसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन and two in our trenches yesterday morning, Christmas morning, it was crisp and quite all about, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। यहाँ पर जो author है वो पढ़ता है उस letter को, तो वहाँ पर जो है letter में क्या लिखा हुआ मिलता है कि कॉनी नाम की औरत को जो है letter लिखा गया है। और इसमें जो Mr. MacPherson है जिन्होंने ये letter लिखा है वो क्या बताते हैं कि मेरी प्यारी कॉनी, आज मैं तुम्हें अपने दिमाग से अपने दिल की जो है सबसे ज़्यादा खुश
नुमर समय में जो है एक बात बताना चाहता हूँ, एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ये लाइन पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि ट्रेंचेज क्या होते हैं। वैसे तो गड्ढों को बोला जाता है, लेकिन ऐसी डिचेज, ऐसी खाई जिनमें जो है सोल्जर्स अपने आप को हाइड करते हैं, यानी कि ये युद्ध के मैदान की बात है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 में, और जर्मन और ब्रिटिश की सेनाएं आमने सामने थी, और उस टाइम पर जो है जो ब्रिटिश सेना का कमांडर है जो कि मिस्टर मैकफर्सन है, वो अपनी पत्नी को जो है अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए लेटर लिखता है। और वो क्या बताता है कि जब हमारी सेनाएं आमने सामने थी तो हमारी सेनाएं जो है सब सिपाही कहाँ पर खड़े थे, अपने अपने जो है जो खाई थी, जो गड्ढे थे, उनके अंदर जो अपने आप को छिपाए हुए थे। कल की सुबह क्रिसमस मॉर्निंग, जो कि कौन सी मॉर्निंग थी, क्रिसमस का दिन था। आपको पता है कि क्रिसमस जो है ईसाइयों का त्यौहार है। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। अब वो जो है उस मॉर्निंग की प्रशंसा करता है कि इतनी अच्छी मॉर्निंग जो है कभी मैंने शायद ही देखी होगी, इतनी शांत, इतनी अच्छी, खुशी देने वाली, और साथ में जो है उसमें ठंड भी थी और फ्रोस्टी धुंध भी थी, तो जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए, ऐसी मॉर्निंग जो है मैंने कभी देखी नहीं थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से दैट इज दैट फ्रिट्ज बिगिन इट। फर्स्ट समवन सो अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज ऑपोजिट, देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ दम वॉज अप एंड देर इन हिज ग्रेट कॉट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड एंड नो वन डिड। देन देर वॉज अनदर फिट्स अप ऑन द पैरापिट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट। यहाँ पर जो मिस्टर मैकफर्सन है वो अपनी वाइफ को क्या बताते कि हम सब जो है अपने गड्ढों में अपने आप को छिपाए हुए थे, कल क्रिसमस की मॉर्निंग थी, और जो हमारी फ्रिट्ज और टॉमीज, यहाँ पर बोला गया दो वर्ड्स आपने देखे हैं, फ्रिट्ज और टॉमीज। फ्रिट्ज किसके लिए यूज़ किया गया है, जो जर्मन सेना थी उसके लिए, उसके जो सैनिकों को क्या बोला गया है, फ्रिट्ज, और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके लिए क्या यूज़ किया गया है, टॉमी। तो वो दोनों जो है आमने सामने लड़ाई कर रहे थे, 1914 का टाइम था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और अचानक से उसने क्या देखा कि एक बहुत ही बड़ी गलती जो है हमारे से हो गई, काश हम ही जो है ये शुरुआत करते। लेकिन ये शुरुआत किसने की थी, ये शुरुआत जो है जर्मन सैनिकों ने की थी, और उनमें से जो है एक ने जो है वाइट फ्लैग हिलाना शुरू कर दिया, वेव करना शुरू कर दिया। वाइट फ्लैग का मतलब क्या है, वाइट फ्लैग मीन्स शांति का प्रतीक, और वो जो है वहीं से क्या बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। नो मैंस लैंड क्यों बोला गया है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी देखने के लिए नहीं था। आपको पता है जहाँ युद्ध चल रहा हो वहाँ पर छिप करके जो है दोनों सेनाएं जो है अपने आप को बचा करके जो है युद्ध करती हैं, कोई भी जो है सामने आमने सामने खड़ा होता नहीं है, क्योंकि जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसी जगह पर जो है किसी के बोलने की आवाज़ आई और वो क्या कह रहे थे, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, और हम ये सब सुन करके बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए, और हम भी जो है उनको वापस से चिल्ला करके बोले, सेम टू यू फ्रिट्ज, जर्मन सैनिकों तुम्हें भी जो है क्रिसमस की बधाइयाँ। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा कि बस इतना ही होगा कि एक दूसरे को हमने विश कर दिया, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर अचानक से जो है एक और जर्मन सैनिक जो है अपना झंडा हिलाता हुआ सफ़ेद कलर का और हमारी तरफ आने लगा और कहने लगा कि शूट मत करना भाइयों, और फिर जो है एक और उसके साथ, और लेकिन मैंने अपने सैनिकों से कहा कि तुम अपना सिर मत ऊपर उठाओ, ये शायद इनकी कोई चाल है, लेकिन ये कोई चाल नहीं थी, और इस तरह से जो है वो हमारी तरफ बढ़ने लगे। One of the Germans was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have snaps. We have sauces. We meet you, yes. By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them.
अब यहाँ पर जो है मिस्टर मैकफर्सन क्या बताते हैं कि एक जर्मन जो है सैनिकों में से क्या लेकर के आया, एक बोतल को हिलाते हुए अपने सिर के ऊपर आगे आता है, इट्स क्रिसमस डे टॉमी। अरे ब्रिटिशर्स, अरे ब्रिटिश भाइयों, ये क्या है, क्रिसमस का दिन है। और उसके बाद वो क्या बोलता है, हमारे पास जो है स्नैप्स क्या है भाई, एक जर्मन ड्रिंक है जो कि ग्रेन्स अनाज से तैयार किया जाता है, मिला करके बनाया जाता है। हमारे पास मीट है खाने के लिए और हम तुमसे मिलना चाहते हैं। यस, बाय दिस टाइम देयर वर, और ऐसा होते होते जो है वहाँ पर जो है दर्जनों फिर जो सैनिक, जर्मन सैनिक जो है उस जगह पर हमारे पास आ गए। उनके पास कोई राइफल नहीं थी, सिर्फ वो एंजॉय करने के लिए हमारी तरफ आ रहे थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, और सबसे पहले कौन आया था, लिटिल प्राइवेट मॉरिस। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। देन देर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और फिर उनके बीच में जो कोई रुकने वाला नहीं थे, वो सारे ही जो है एक एक करके बाहर निकल आए। आई वॉज द ऑफिसर, मैं अपनी सेना का ऑफिसर था, आई शुड हैव स्टॉप दैम देर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर एवर एवन ऑकर्ड टू मी दैट आई शुड। मैं अपनी सेना का जो है ऑफिसर था और मुझे जो है उनको वहीं पर रोक देना चाहिए था, लेकिन मैं भी जो है ये नहीं कर पाया। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. एक तरफ उनकी लाइन थी उनके सोल्जर्स की, एक तरफ हमारे सोल्जर्स की लाइन थी, और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे थे। ग्रे कोट्स कौन पहने हुए था, जर्मन सैनिक पहने हुए थे। खाकी कोट्स कौन पहने हुए था, ब्रिटिशर्स पहने हुए थे, और वो आपस में जो है गले मिल रहे थे। एंड आई वॉज़ वन ऑफ दैम, मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, मैं भी उसका एक हिस्सा था और इस युद्ध के बीच में हम एक तरह से जो है शांति बना रहे थे। यू लुक्ड, यू कांट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, तुम मेरी उस फीलिंग को इमेजिन नहीं कर सकती मेरी प्यारी कोनी, जब मैंने जो है फ्रिज ऑफिसर की ओर जो है उसकी आंखों में देखा। वो अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आया, हैंड आउटस्ट्रेच्ड और अपनी बाजू में फैला दी, हैंस वुल्फ, और अपना नाम क्या बताया, हैंस वुल्फ। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरे हाथ को जो है बड़े टाइटली पकड़ते हुए, आम फ्रॉम डसलडॉर्फ, मैं जो है डसलडॉर्फ का रहने वाला हूँ। आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस, मैं जो है ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ। सेलो क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑर्केस्ट्रा में प्ले किया जाता है, और फिर इतना बता करके उसको हैप्पी क्रिसमस बोलता है, विश करता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ये जो स्टोरी है इसमें एक ऑथर है जो कि एक रोल टॉप डेस्क जो है पुराना 19th सेंचुरी का एक कबाड़े की दुकान से ख़रीद करके ले आता है, क्योंकि वो नया ख़रीदने का जो है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी। और जब वो अपने घर पर लाता है तो उसको रिपेयर करना शुरू कर देता है, तो पाता है कि वहाँ पर एक डेस्क, एक ड्रॉर ऐसा था जो खुल नहीं रहा था। उसने झटके से जो उसको खोला और उसमें एक और सीक्रेट ड्रॉर उसको मिलता है, जिसमें एक जो है लेटर उसको मिला, और उसने उस लेटर को खोल के पढ़ना शुरू किया। तो वो लेटर जो है मिस्टर मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी के लिए लिखा हुआ था, और ये 1914 में लिखा हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था जर्मन और ब्रिटिशर्स के बीच। और यहाँ पर जो मिस्टर मैकफर्सन है जो कि ब्रिटिश सेना के ऑफिसर हैं, वो अपनी एक दिन का इंसिडेंट, एक क्रिसमस इंसिडेंट जो है अपनी पत्नी से शेयर करना चाहते थे। और वो अपनी पत्नी को क्या बताते हैं कि ये दिन बहुत ही ज़्यादा यादगार है, क्योंकि इस दिन जो है जो फ्रिट्ज थे, जर्मन सैनिक थे, वो हमें विशेज़ देते हुए, बेस्ट विशेज़ क्रिसमस की हमारे पास आए, अपने हमारे साथ इंजॉय करना चाहते थे। मैं रोकना चाहता था उनको, लेकिन मैं भी नहीं रोक सका, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत एनवायरनमेंट बन चुका था वहाँ पर, और सब लोग जो है एक दूसरे से बड़ी हंसी खुशी बात कर रहे थे। फिर उनको उनके जो ऑफिसर थे जर्मन्स के, मिस्टर हैंस वुल्फ, वो भी मेरे पास आते हैं और मेरे से हाथ मिलाते हैं और अपना पता बताते कि मैं डसलडॉर्फ से हूँ और मैं सेलो जो है बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में, और फिर उसको जो है विश करते हैं। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और मैंने कहा कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ, और उसको जो है मैंने भी विश कर दिया। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और मैंने भी अपना पेशा बता दिया कि वास्तव में मैं क्या करता हूँ। हम तो सिर्फ जो है युद्ध के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन वास्तव में हमारे ऑक्यूपेशन तो अलग थे, वो तो सेलो प्लेयर था और मैं क्या था, डोरसेट में एक स्कूल टीचर।
आ डोरसेट ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो वेरी वेल। अरे डोरसेट वो स्माइल करता है, कौन करता है? फ्रिट्ज ऑफिसर हैंस वुल्फ। अरे मैं तो इस जगह के बारे में जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सोसेज। मैंने अपना जो है रम उसके साथ शेयर किया और उसका उसने जो है अपना मीट मुझे खाने के लिए दिया। एंड वी टॉक्ड, हम बातें करते रहे। कोनी हाउ वी टॉक्ड, कोनी तुम पता नहीं लगा सकती कि हमने कैसी बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो जो है परफेक्टली इंग्लिश बोलता है, बोली उसने। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो कभी भी जो है डॉर्सेट नहीं आया था। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, अरे कभी इंग्लैंड ही नहीं आया था तो डॉर्सेट कहाँ से आता। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और फिर वो मुझे क्या बताता है कि अपने फेवरेट राइटर और उसकी बुक के बारे में बताता है। थॉमस हार्डी उनका फेवरेट राइटर था, किसका? हैंस वुल्फ का। और फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो उनका नॉवल है, बहुत ही फेमस नॉवल है, वो उनकी बहुत ही फेवरेट बुक थी। और वो ये बताते कि मैंने जो है हमेशा इंग्लिश की बुक्स में ही डॉर्सेट के बारे में पढ़ा है, बाकी मैं कभी गया नहीं हूँ। सो आउट ऑफ देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट। और वहाँ पर जो है इस जगह पर जहाँ पर कोई आदमी नहीं होता, वहाँ पर हमने किसके बारे में बात की? जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के करेक्टर हैं इस नॉवल में, उन सब के बारे में बात की। बाथशेबा के बारे में, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ऑफ ट्रॉय, इन सब के बारे में मैंने वहाँ पर हमने दोनों ने जिक्र किया। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन। फिर उसने बताया कि उसका एक बेटा, उसकी एक पत्नी और एक बेटा है। बॉर्न जस्ट 6 मंथ्स एगो, जो कि सिर्फ 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है। एज ही लुक्ड अबो मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। जब मैंने ऊपर देखा मुंह उठा करके, तो देखा कि वहाँ पर जो है खाकी और ग्रे कोट पहनने बहुत से लोगों के झुंड दिखाई दिए। ऑल ओवर द नो मैंस लैंड स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। और जो है उस जगह पर जहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, वहाँ पर सिर्फ लोग जो है क्या कर रहे थे? स्मोकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, खाना खा रहे थे, यानी कि पूरा मजा मस्ती जो है कर रहे थे। हैंस वुल्फ एंड शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कॉनी। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कॉनी। हैंस वुल्फ और मैंने जो है जो तुम्हारा क्रिसमस केक था वो शेयर किया एक दूसरे के साथ। आई थॉट दैट मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो है शायद उसने जो है मार्जिपन से बेहतर कोई मिठाई, कोई केक जो है अभी तक नहीं खाया होगा। आई एग्रीड, मैं भी सहमत करता हूँ। वी एग्रीड अबाउट एवरी थिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। हम दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत थे, लेकिन वो जो है मेरा दुश्मन था। देर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कॉनी। मैंने आज तक जो है क्रिसमस की ऐसी पार्टी कभी भी नहीं देखी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट द फुटबॉल, ग्रेट कोट्स वर डंप्ड इन पाइल टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन द ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। देर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आउट ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड, जिम मैकफर्सन। ही सेड आफ्टर अ व्हाइल एंड आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, नो वाइव्स बिकम विडोज। अब वो क्या बताता है कि जब हम अपना खाना एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, मर्जीपन शेयर किया हमने और उसने जो हमें मीट दिया और हम अच्छे से बातें कर रहे थे, तब जो है कोई पता नहीं कहाँ से एक फुटबॉल ले आया और जो है वहाँ पर जो कॉर्ट्स उन्होंने डाले हुए थे उनके डंप लगा दिए ताकि वो खेल सकें। अब जो है मैंने देखा कि जो मिस्टर हैंस वुल्फ है वो बहुत ज़्यादा खुश था और मेरे से कहता है कि जिम मैकफर्सन जो है काश हम इस तरह से अपने युद्ध को भी सॉल्व कर पाते, इस वॉर को भी ख़त्म कर पाते इस फुटबॉल मैच की तरह। और इस मैच में, इस तरह के मैच में ना तो किसी की वाइफ जो है वो विधवा होती है, ना ही बच्चे जो है अनाथ होते हैं।
आई वुड प्रेफर क्रिकेट आई टोल्ड हिम। मैंने उनको कहा कि मैं तो क्रिकेट खेलूँगा क्योंकि जो जर्मन का गेम है वो फुटबॉल है और ब्रिटिशर्स का गेम आपको पता है कि क्रिकेट है। तो यहाँ पर जो मैकफर्सन क्या कहता है कि मैं तो क्रिकेट खेलूँगा, उसको ही प्रेफरेंस दूंगा। देन वी टोमिन्स कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉबेबली, फिर तो हम जो है ब्रिटिशर्स पक्का ही जीत जाएंगे। वी लाव्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और इस बात पर हम हंसे और फिर हमने गेम देखा। सेड टू से कॉनी फ्रिड्स वॉन टू गोल्स टू वन, और बहुत ही दुख की बात है कि फ्रिड जो है उस युद्ध में जीत गए। और हमारा जो रेशियो था वो क्या था, 2-1 का। बट एट हैंस वोल्फ जेनरसली सेड आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, लेकिन जब हैंस वोल्फ ने कहा कि हमारा गोल जो है उनके गोल से चौड़ा ही ज़्यादा चौड़ा था, सो इट वॉज क्वाइट फेयर वॉज नॉट क्वाइट फेयर, ये जो है ज़्यादा अच्छा नहीं था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून वेन द गेम वॉज फिनिश्ड, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सोसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। We knew it was all over. I wished Hans Wolf and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could go all go home. और जब हमारा सारा गेम वगैरह ख़त्म हो गया था, हमारे खाने पीने का राशन जो है सारा ख़त्म हो चुका था, तो हमें पता था कि अब जो है सब ख़त्म हो गया है। और मैंने Hans Wolf को विश किया कि जो है वो जल्द ही अपने परिवार से मिले और ये युद्ध जल्द ही ख़त्म हो और हम सभी अपने घरों को जा सके। आई थिंक दैट इट वॉज वेरी बट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स एंड सोल्व सैड टेक केयर जी मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। आई फेल्ट ही टर्न टू वे जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। आप जो है हैंस वुल्फ भी क्या कहते हैं कि सभी सोल्जर्स जो कि हमारी सेनाओं के, वो भी यही चाहते हैं कि युद्ध ख़त्म हो जाए, वो अपने घरों को अपने परिवारों के पास जा सकें। और फिर वो जो है मुझे कहता है कि टेक केयर, और मैं इस क्षण को जो है ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा और ना ही कभी तुम्हें। उसने मुझे सल्यूट किया और बिना उसकी इच्छा नहीं थी मेरे से दूर जाने की, हमारे हमें छोड़ करके जाने की, लेकिन फिर भी जो है वो उन ग्रे कोट्स में जा करके मिल जाता है, अपने सिपाहियों में जा करके मिल जाता है और अपने ट्रेंचेस की तरफ वापस चले जाते हैं। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। इट वॉज स्टिल नेक्ट साइलेंट नाइट, आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल स्लीपर वॉच्ड। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। और उस रात जो है हम अपने जो डगआउट्स थे, हमारे जो शेल्टर्स थी, जो हमने हॉल्स बना रखे थे छिपने के लिए, रहने ठहरने के लिए, उसमें हमने जो है उनके कैरोल मींस क्रिसमस पे गाया जाने वाला जो है एक रिलीजियस सॉन्ग, उनके कैरोल गाने की आवाज़ें सुनी। बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उसको गा रहे थे और उसके बोल क्या थे, ये तो जर्मन लैंग्वेज है, स्टिल नेक्ट साइलेंट नाइट। और फिर हमारे बॉयज़ ने भी जो है अपना गाना शुरू कर दिया वाइल शीफर्ड वॉच्ड, और हम दोनों ने जो है अपने अपने गानों को एक्सचेंज किया और एक दूसरे का साथ दिया, और फिर कुछ देर बाद जो है सभी साइलेंट हो गए। और ये जो है ऐसा टाइम था ज़िंदगी का जो हमने जिया, जिसको मैं खजाने की तरह हमेशा संजो करके रखूँगा। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी रिवाइज दिस चैप्टर अप टू हेयर, थर्ड पार्ट, और इसके क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। और आपको भी जो है इसको इसी तरह से रिवाइज करना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर, रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।